वो जहां सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते, इसीलिए हम पिक्चर देखें। नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। द कश्मीर फाइल्स इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म ट्रेंडिंग पर चल रही है। इस बीच इस फिल्म पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ पलायन की राजनीति जानती है और बीजेपी पलायन के अलावा कुछ नहीं कर सकती। दरअसल बुधवार देर रात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस फिल्म को देखने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म के निर्माता विवेक अग्निहोत्री को धन्यवाद कहा कि उन्होंने लोगों के सामने सच को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस सच्चाई को छिपाना चाहते थे, झूठी राजनीति कर रहे थे, लेकिन आखिरकार विवेक ने इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखा। आज लोग इस सच को जानेंगे और 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ था उसे जानेंगे। वहीं इस पर पलटवार करते हुए एक तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, सबसे पहले आप ये सुनिए। वो जहां सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते, इसीलिए हम पिक्चर देखें। देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है और उसे समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। जैसा कि आपने सुना, भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जैसे ही बीजेपी वालों को सामने खड़ा कर दो तो वो पलायन करना शुरू कर देते हैं। दरअसल भूपेश बघेल ने इस फिल्म को देखने के लिए बीजेपी के विधायकों को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन बीजेपी के एक भी विधायक भूपेश बघेल के साथ फिल्म देखने नहीं पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने यह सब कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में ही कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, लेकिन बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जब हमारे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लोकसभा का घेराव किया तो तब वहां सेना भेजी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ पलायन की राजनीति जानती है और इसी के तहत उसने कश्मीरी पंडितों को 90 के दशक में कश्मीर से जाने के लिए मजबूर किया। राजनीति से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।